नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व और आज आप जो वीडियो देख रहे हैं थंबनेल से तो आप देख ही चुके होंगे। वीडियो बहुत खास है आज की, क्योंकि हम खड़े हुए हैं शहबाज नगर स्टेशन पे। शहबाज नगर स्टेशन कहाँ है सबसे पहले आपको ये बता दें, ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट को जो मीटर गेज की लाइन जोड़ती है उसके बीच का एक मेन इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। शाहजहाँपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और 2017 या 18 में ये रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी मीटर गेज की। तो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है कि सारे मीटर गेज जो देश में जितनी जगह हैं उनको चेंज करके ब्रॉड गेज में वो परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ वाली लाइन भी उसी के मारे रोक दी गई थी। अब उस पर काम पूरा लगभग 99% पूरा हो चुका है, कुछ ही दिनों का इंतज़ार है और कब से चालू होगी ये आपको मीडिया के हवाले से पता ही चल जाएगा। और CRS इंस्पेक्शन भी यहाँ पे हो चुका है, तो लगभग सब हर चीज़ ओके है। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ आपको बता दूँ ओवरब्रिज के ऊपर, ये देखिए इतना शानदार बना के रखा है। रेलवे के काम वाकई में देखने लायक होते हैं, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 शहबाज नगर का, आप देखिए, और उधर सामने दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये 1 है, ये 2 है, तो 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और 3 लाइन डाली गई है। चौथी लाइन ये एक्स्ट्रा है शायद, ये किस काम के लिए रखी गई है अभी हमारे पास कोई बंदा नहीं है रेलवे का, नहीं मैं आपको ज़रूर उससे पूछ के बताता। ऑफिस में अधिकारी बैठने लगे हैं, मैं अभी रूम में देख के आया हूँ, काम चल रहा है सब बिल्कुल, लगभग तैयारी किसी भी दिन यहाँ पर शुरुआत हो सकती है शाहजहाँपुर से पीलीभीत की। और आपको बता दें पीलीभीत से मैलानी वाली भी लाइन को ब्रॉड गेज में किया जा रहा है कन्वर्ट। बहराइच नानपारा एक UP की लाइन शायद अभी वो चल रही है, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन बहराइच नानपारा जो रेलवे लाइन है वो अभी मीटर गेज में चल रही है, उसको भी बदलने का प्रयास है। तो आपको अभी पहले रेल पूरे स्टेशन की झलकियाँ दिखाते हैं, छोटी छोटी वीडियो हमने बनाई है, आप देखिए इन्जॉय करिए। आपने देखी ली होंगी, कैसी लगी है आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।